हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने इंडियन आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड तीन टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्स में आती है इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय थल सेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना एंड इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। तो यहाँ पर हमने सभी से रिलेटेड डिस्कस किया है। इसके अलावा इंडियन फोर्स में एक और फोर्स आती है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब आज हम यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक पार्ट है। तो यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी जरूरत भारत को पड़ी, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इंडियन कोस्ट गार्ड was established in August 1978 by the Coast Guard Act 1978. Indian Coast Guard की शुरुआत हुई थी 1978 में Coast Guard Act द्वारा। ये एक Indian Armed Force है इंडिया की, Independent Armed Force है ये इंडिया की। ये fourth largest Coast Guard है पूरे विश्व में। भारतीय Coast Guard पूरे विश्व में fourth largest Coast Guard है। It has played a significant role in securing the Indian coast. भारतीय कोस्ट को सिक्योर करने में ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और मैरिटाइम ज़ोन्स, इंडिया के मैरिटाइम ज़ोन्स में रेगुलेशन को एनफोर्स करने में भी कोस्ट गार्ड ही हेल्प करता है। अब IGC की हिस्ट्री क्या है, तो इट इज़ एन आर्म्ड फोर्स, ये एक आर्म्ड फोर्स है। सर्च एंड रेस्क्यू मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पर ICG को फॉर्म करने के पीछे कंसेप्ट क्या है, ये 1971 के युद्ध के बाद आया। द ब्लू प्रिंट फॉर अ मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड वॉज कंसीव्ड बाय द विजनरी रस्तांजी कमिटी। ये मल्टी डायमेंशनल कोस्ट ब्लू प्रिंट के बाद में यहाँ पर जो रस्तांजी कमिटी थी उनके विजनरीज पर ये आया था। फॉर इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल द मैरिटाइम ज़ोन्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 कोस्ट रीजन्स। यहाँ पर जो भारत के मैरिटाइम ज़ोन्स हैं उनको 5 अलग अलग कोस्ट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो कोस्ट गार्ड है ये उन्हीं अलग अलग 5 रीजन्स पर वर्क करते हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार। ये 5 रीजन हैं, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार। ये 5 कोस्ट गार्ड रीजन हैं भारत के विद द रिस्पेक्टिव रीजनल हेडक्वार्टर्स। इनके अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स भी हैं। नॉर्थ वेस्ट का है गांधीनगर गुजरात में, वेस्ट का है मुंबई में, ईस्ट का है चेन्नई में, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट का है कोलकाता में और अंडमान एंड निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर में हेडक्वार्टर्स। अब ICG के फंक्शंस क्या होते हैं, तो प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, ऑन द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द ICG इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग थ्रू द मैरिटाइम रूट्स। मैरिटाइम रूट्स क्या है, ये सभी आप जानते हैं कि जो ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है, तो वो कई बार सी रूट से होता है, यानी कि ज़्यादातर सी रूट से ही व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि किसी भी बुरी चीज़ की यहाँ पर स्मगलिंग ना की जाए, मैरिटाइम रूट्स के जरिए ये ICG का काम होता है देखना। इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कंटीजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैरिटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर जो मैरिटाइम जोन्स हैं इंडिया के उनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देना एंड इज कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल टू ऑयल स्पिल्स इन इंडियन वाटर। अब यहाँ पर जो इंडियन वाटर में ऑयल स्पिल्स है उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, मैरिटाइम जोन्स को मेंटेन करना, वहाँ पर रूट्स अगर है तो ट्रेडिंग किस तरीके से चल रही है उसको देखना, ये सभी कुछ ICG का काम होता है। एड टू सिविल अथॉरिटी, इट हैज़ ऑल्सो
rescued approximately 13,000 personnel till date during various aid to civil authority operation. यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन चलाया था एड टू सिविल अथॉरिटी. ऑपरेशन क्या था? असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू सिविल अथॉरिटीज ड्यूरिंग फ्लड. यानी कि जो सिविल अथॉरिटीज हैं उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना, अगर बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है, कोई नेचुरल कैलमिटी है, वार की कंडीशन, जैसे कि अभी थोड़े ही समय पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में, तो उन रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प करना ये ICG का काम है. It is also working in close coordination with central and state agencies. इसके अलावा ये robust coastal security mechanism की तरह भी काम करती है central और state के साथ. Maritime security को protect करना, it is also collaborating with littoral countries to combat transnational maritime crimes and enhance maritime safety. इसका total उद्देश्य यही रहता है कि भारत के आसपास के जो ocean regions हैं या फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना कि वहाँ कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, मैरिटाइम सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना, एरिया को प्रोटेक्ट करना, ये सभी कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सागर ऑपरेशन चलाया था. सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. द ICG हैज न्यूचर्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप अक्रॉस ओशियंस एंड एस्टेब्लिश्ड टाई विद द कंट्रीज इन इंडियन ओशियन रीजन फॉर ओशियन पीस कीपिंग. यहाँ पर ICG ने ये ऑपरेशन चलाया था, यहाँ पर जो इंडियन ओशियन के आसपास के जितने भी रीजन थे उन सभी को ये प्रोटेक्ट कर रही थी. इससे ये बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाती है. अब यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका रोल क्या होता है? तो ICG हैज सक्सेसफुली अवॉइडेड मेजर इकोलॉजिकल डिजास्टर्स एंड एमर्ज्ड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन. फॉर एग्जाम्पल बाय अंडरटेकिंग अ मेजर फायर फाइटिंग एंड पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ऑपरेशन. यहाँ पर श्रीलंका की कोस्ट पे इन्होंने पोल्यूशन रिस्पॉन्स और फायर फाइटिंग ऑपरेशन चलाया था. इनका मोस्ट रिसेंट ऑपरेशन सागर आरक्ष सेकेंड, जो कि केमिकल कैरियर्स को हटाना था, केमिकल कैरियर्स MV एक्सप्रेस पर्ल. इसका उद्देश्य यहाँ पर कोस्ट को प्रोटेक्ट करना था. तो ये डिजास्टर के टाइम पर भी ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, ताकि ये लोगों की मदद कर सके और उन्हें बचा सके मैरिटाइम या फिर कोस्टल एरियाज में. इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो हर वर्ष 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. 2022 में जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट हुआ है ये 46th रेजिंग डे, इसे रेजिंग डे भी बोलते हैं. 46th रेजिंग डे है इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट ऑन फेब्रुअरी 2022 में जो सेलिब्रेट हुआ है वो 46th इंडियन कोस्ट गार्ड डे है. तो यहाँ हमने इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया है. तो आई थिंक इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. लाइक करें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को. जय हिंद, जय भारत.